अभी सर है ना, थोड़ा पीछे ना भाई, थोड़ा पीछे आ जाओ सब। अरे अरुण, अरे अरुण, अरे ऐसा तो हर फिल्म में होता है वो, एज एन एक्टर आपका आपका वो काम ही होता है कि आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो और देखो कि दायरे के बाहर जाता है कि नहीं। दायरे के बाहर गया तो आप उसको नकारते हो और दोबारा वापस बैक टू बेसिक्स जाते हो। तो नॉर्मल सी चीज़ है, हर प्रोफेशन में होता है। और जहाँ तक ये फिल्म का सवाल है, हम चूँकि एक साथ सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ साथ में ये कर रहे थे, तो इनपुट्स इतने आ रहे थे कि हमको वो दायरे के बाहर जाना बिल्कुल मतलब नहीं पड़ा। मतलब सारे के सारे जो इतने बैठे हुए यहाँ पे, सारे इसमें माहिर हैं। अच्छा, ट्रेलर में हमने देखा है, आपकी मूवी में हम देखेंगे, एक-एक को किसे और आप लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो रियल लाइफ में कितना पसंद करते हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं पसंद करते। AK-47 था, डबल बैरल गन से, फोन के हाथ पे भी AK-47। साउंड इफेक्ट वैसा है कि आपको लग गया? नहीं नहीं, वो करेक्ट बोल रहे हैं, वो ट्रेलर के बिगनिंग में लाइन है, वो डायलॉग बोलते हैं, वो जबानी निकलते हैं, सॉरी वो डायलॉग संवाद है कि 47 लेके आएंगे। नहीं नहीं, इस फिल्म के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज, बिना चाहे हुए भी एक इतना खूबसूरत मैसेज है गन्स के अगेंस्ट और वायलेंस के अगेंस्ट और सारा कुछ, जो आप घर लेके एंड में जाएंगे, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि एंड में आप ये सोचेंगे कि शायद ये फिल्म बनाई इसलिए गई थी कि गन लॉ के अगेंस्ट बात करें। हाँ बिल्कुल, कि भाई ये चीज़ सही नहीं, किसी भी तरह से ये फिल्म गन्स को ग्लोरीफाई नहीं करती, ये बात मैं एक्चुअली बहुत लाउडली कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत लोग कह रहे हैं कि इतनी बंदूकें चली है, इतनी गोलियाँ चली है, हम कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहे इसको। कहानी में गन बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी की जस्टिफिकेशन आपको एंड में मिलती है, तो चाहे वो चंबल हो चाहे वो गन्स हो, वो एक किरदार हैं फिल्म के अंदर, जिनको आप जब देखेंगे तो आप बोलेंगे अगर ये बंदूक हम निकाल देते हैं, चंबल निकाल देते हैं, तो यहाँ तो कहानी नहीं है। अच्छा माही जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही लिमिटेड फिल्में करती हैं आप, हम ऐसा मानें कि काफ़ी चूजी हैं आप अपनी फिल्मों को लेकर, जो आपको पसंद है आप ऐसे ही करें, हम देखते हैं। नहीं, मुझे मुझे लगता है कि जो मुझे चीज़ अच्छा था आपका इशारा मेरी तरफ। मेला लगा। हाँ, मैं काफ़ी कम पिक्चर्स इसलिए करती हूँ कि मुझे जो जो जितनी सपोज 10 ऑफर हुई हैं तो उसमें शायद मुझे एक स्क्रिप्ट पसंद आती है, तो फिर मैं वही करती हूँ। मुझे ये लगता है कि पैसा भी चाहिए तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी फ्री में करती हूँ नहीं, लेकिन मैंने हाँ चूज़ी हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है जो मुझे पसंद है, क्योंकि मैं किसी फिल्म को पसंद ना करूँ स्क्रिप्ट को, लेकिन मैं चली जाऊँ सेट पर, मैं सब एक्टर्स का टाइम वेस्ट करूँगी, प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट करूँगी, आई डोंट डू दैट। तो मुझे होता है कि कम फिल्में करो, अच्छी करो। नहीं यार, देखो तो बहुत आप सही सवाल किए हैं। मेरी पहले स्क्रिप्टें अब आती हैं तो मेरी पत्नी पढ़ती हैं, मेरी स्क्रिप्ट जो भी आती है मेरे पास तो मैं अपनी वाइफ को दे देता हूँ कि तुम पढ़ो इसको एक बार, तो वो पढ़ के और वो फ़ोन करती है कि ये वाला रोल तुम्हारा है, मैं बोलता हूँ वो वाला नहीं दूसरा वाला, वो तो किसी और का है, तो उनके साथ ही गुजरता होगा।
मुझे तो पता होता है कि मुझे क्या मिला है इसमें। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, मेरे पास कोई लेके आते हैं बोलते हैं ये वाला किरदार जो है आपका, बड़े यंग नए डायरेक्टर्स और सारा कुछ, और उसमें उन्होंने कुछ कोई एक ऐसा किरदार, फिर कोई रियलिस्टिक सी फिल्म और सारा कुछ, और बहुत एक किरदार जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो लेके आते हैं, और मैं पढ़ने के बाद उनको बोलता हूँ यार वो जो दूसरा किरदार है वो छोटा है, अगर मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैंने उस तरीके से कुछ किया नहीं, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ वो करने में रादर देन ये सेंट्रल कैरेक्टर जो मेरे को कुछ करवा नहीं रहा है, ऐसा मैं कुछ और कर रहा हूँ या मैंने किया हुआ है, तो फिर वो गायब हो जाते हैं उसके बाद। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो किरदार ना करूँ जिसके लिए मैं ओवर क्वालिफाइड सिंपल है, तो जहाँ मैं देखता हूँ कि वहाँ पे आपको खुद को ख़राब लगता है अगर आपने ऐसा कोई रोल किया, तो कोशिश करता हूँ कि जो आपको जो भी रोल दिया जाता है वो आपके टैलेंट के मुताबिक हो, ऐसा ना हो कि आपको मिसयूज़ किया जाए, तो वो क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है वैसे मिसयूज़ तो, और मैं कोशिश करता हूँ उसको बांध लगा करके पानी भरा जाए। श्रेया की अभी अभी शादी हुई है आप सबको मालूम होगा, तो शादी तो शायद अपने हनीमून पे है इस वक्त, जिस प्यार को वो ढूंढ रही थी उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं। भाई जी आपका ऐसे आप कैसी कोई काफी मतलब आपकी जो एक्टर इस फिल्म की और श्रेया सर देखिए काफी सडनली ऐसे ट्विटर पे उन्होंने या इंस्टाग्राम पे ऐसे शॉक दिया कि हां मैंने शादी कर ली। शॉक क्यों है? उनके घर परिवार वालों को पता है, कैटरर को मालूम होगा जो उस दिन खाना बना रहा होगा, शौक कैसे हो सकता है, बहुत लोग जानते होंगे पंडित ने शादी कराई, सूचना ये अखबारों में व्यवस्थाएं शौक देने का मैं भी बहुत बड़ा शौक दूंगी थोड़ा वो डिस्कशन हो चुका है। माही जो है ट्विटर वेटर पे इतनी एक्टिव नहीं है, तो जब वो कर रही होंगी वो मैं बता देंगी और पंकज सर वो शौक आपको दे देंगे, बहुत बड़ा शौक देंगे। कितने वोल्टेज का चाहिए बता दीजिए, अब डिपेंड इन पे है ना, मैं ट्विटर इनको तो सिर्फ ट्विटर पे डालना है ना, पता ना उनको है, निर्णय उन्हें करना है, मैं तो सिर्फ खबर दूंगा, जब मैं दूंगी तो बहुत तगड़ा शौक दूंगी पूरा आपको बता दूंगी। करेक्ट यार मैं तो बिल्कुल मैं एक बार खिलाड़ी उस मैदान के बाहर चला जाता ना उसके बाद बल्ला नहीं घुमाता है वो, तो वो वहीं पे उस सौरन मार कर के बाहर फिर वो सौरन मारने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आई बिलोंग टू दैट कैटेगरी, आई डोंट कैरी एनीथिंग ऑफ द कैरेक्टर बैक, वरना फिर तो मतलब बंदूक के चलते रहेंगे यहाँ पे चला दूंगा। इस फिल्म में थोड़ा सा अजीब हुआ है जो कि हम जब वहाँ गए हैं तो उस माहौल में उस कहानी में ढल गए, और लकीली कुछ 23-24 दिसंबर के आसपास जो है वो हमारा रैपअप हुआ और उसके बाद फॉग वॉक शुरू हुई इसी रात, और हम वहाँ से जो ड्राइव करके निकले हैं दिल्ली, क्योंकि जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ से 8-10 घंटे की ड्राइव थी, अगले दिन हम लोग निकले हैं वहाँ से, और मैं एक बार दिल्ली पहुँच गया और फिर वो क्रिसमस न्यू ईयर्स का माहौल था तो निकल गए, मगर वो जगह ऐसी है उसका कैरेक्टर ऐसा है कि जैसे ही आप वहाँ पहुँचे और आपने अपना पहला सीन किया और आपने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि कई बार 3-4 सीन लग जाते हैं एक इंसान को वो सुर पकड़ने में, जब आपको अंदर से फीलिंग आने लग जाती है कि अब ये किरदार पकड़ा गया है, अब ये ऐसा है, मगर ये एक ऐसी जगह थी कि वहाँ गए हैं और उस लोकेशन पे पहुँचे हैं, वे एक आध शॉट दिया है बस, और बस ऐसा लगा कि बस ये तो हो गए वहीं के मतलब, और वो कहीं ना कहीं आपको ट्रेलर में दिख रहा होगा, वो हम लोग अपने जैसे नहीं लग रहे हैं, हम लोग कुछ
नहीं कुछ नहीं, सब बता दिए। स्विच ऑन स्विच ऑफ करके भी एक मसला होता है कि किसी किरदार में गए निकल गए हमें मालूम है तो। एक जून हम इस बार माही हर बार मैं बोलता हूँ माही। एक जून को बहुत ही कमाल की फिल्म रिलीज होने जा रही है और उसका नाम है फेमस। और बढ़ जाती हैं उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं कि भैया आपको तो पता है कि अच्छी फिल्म है, लेकिन ट्रेलर अगर इतना लोगों को पसंद आया हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है फिल्म भी देखने के लिए घुसें, पसंद आएगी ये तो गारंटी है, पर जाइए देखने के लिए। ऐसी पिक्चरें जब कुछ अच्छा आ रहा होता है, कुछ नया आ रहा होता है, जाइए देखिए, ट्रेलर से 100 गुना ज़्यादा मज़ा आएगा फिल्म देखने में। एग्जैक्टली ये आपको बेहतर उत्तर जो है करण देगा क्योंकि सवेरे से वैसे इसका उत्तर तो आप ही जानते होंगे, मुझे लगता है सब जानते हैं। देखो भारत के 80% हिस्सों में और खासकर हिंदी भाषी इलाकों में फेमस बोलते हैं, मैं भी फेमस ही बोलता हूँ। जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए उनको मालूम है कि फ़ा के नीचे एक नुक्ता होता है, जो भी होता है, तो वही संदर्भ है कि जहाँ की कहानी है वहाँ के लोग फेमस बोलते हैं, इसलिए इन्होंने ये कर दिया। हालांकि ये घालमेल हुआ है, हिंदी का फ़ा है और बाकी अंग्रेजी के शब्द हैं, तो समझ में नहीं आता हिंदी पिक्चर है अंग्रेजी पिक्चर है। अरे वो आप करण जौहर की बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़े हैं भाई, कहाँ कंफ्यूजन की है। वो बहुत सीनियर है मुझसे, बहुत ज़्यादा, मैं तो उनकी पिक्चरें देख के बड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो बच्चा हुआ, मुझे कहाँ कंफ्यूजन पर, बहुत दूर की कंफ्यूजन नहीं होगी ऐसे कोई टेंशन मत लो। सीखते हैं सर सीनियर लोगों से, बस सीखते हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जो मैं इसके आगे जो 2-4 फिल्में मैंने शूट की हैं उसमें लागू भी करती हूँ। हर सीन में हर आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ये तो दिग्गज लोग हैं। और मेन चीज़ ये है कि जब आप साथ में काम कर रहे होते हो तो मज़ा आना चाहिए, और वो हम लोग को इस फिल्म को बनाते हुए बहुत मज़ा आया। माही जी, आप सभी से आप के किरदार के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहेंगे, लेकिन आपसे स्टार्ट करते हैं। आप बताइए, हमने जैसा कि ट्रेलर में देखा टीचर है आप, नहीं सिंपल सी सीधी सी सीधी सादी सी टीचर हूँ मैं, रोजी टीचर जो गांव में पढ़ाने के लिए आई है, और वो सोचती है कि जो बच्चे हैं उनको वो काफ़ी उनका भविष्य चेंज कर सकती है बेहतरी के लिए, तो उस तरह की टीचर है। लेकिन ऐसा कुछ हादसा होता है कि काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, तो पूरी फिर स्टोरी फिल्म की चेंज हो जाती है। देखा है पहली, सुनो, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, तो वही है ये, तभी तो हमारी फिल्म बाकियों से अलग होगी ना, कि कुछ तो एलिमेंट जो पहली बार दिखे। तो ये करण का क्रेडिट है, इस राइटिंग का खेल है कि इन्होंने वैसा सी, हालांकि मैं असहज था थोड़ा वो सब ऐसा करने में, बहुत ज़्यादा, मैं वही बोल रहा था, ये एक्चुअली जो कैरेक्टरिस्टिक है इस कैरेक्टर का वो सर का इनपुट था ये वाला। हाँ नहीं, मतलब कलेक्टिव होता है, सिर्फ मेरा इनपुट नहीं था, दोनों का काम है। क्योंकि शूट के दौरान क्योंकि जैसी स्क्रिप्ट थी
इम्प्रोवाइज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, करना भी चाहिए, आई थिंक वो जरूरी है। हर फिल्म का ग्रोथ एक एक राइटर, एक डायरेक्टर एक पॉइंट तक सोचता है, चाहे वो जितना बड़ा थॉट हो या कम हो। जब कोई और बंदा उस कैरेक्टर को अपने ऊपर ढालता है तो वो उसमें कुछ और ले आता है, और वो अच्छे एक्टर्स के साथ में वो एक बात है जो होता ही होता है। तो 100% मतलब जो मैंने कैरेक्टर सोचे थे वो तो है, मगर उससे वो दो वर्जन ऊपर गए हैं, बिकॉज सब ने उसमें कुछ ना कुछ अपना एलिमेंट्स लाया है। हर सीन हर सीन में बोलूँगा, एवरी सिंगल सीन इन द फिल्म जो लिखा है उससे बेहतर ही परफॉर्म हुआ है। जैसे सर का जो सीन अब बहुत चर्चे में, सब लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं, वो सीन एक्चुअली सर को याद होगा वो साथ में सोचा था, वो सीन था कहीं पर स्क्रिप्ट में, मगर उसमें जो छोटी छोटी न्यूएंसेस है, जो उनका एक्सप्रेशन है, जो एक थॉट है, वो सब उसमें सर का एक बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट था। तो वो एक कोलैबोरेटिव था विद ऑल ऑफ देम। क्यों रो रहे भैया तो के सर के साथ में भी, एवरीवन सबके साथ में जो है वो कैरेक्टर को साथ में बिल्ड किया गया है। किसी के साथ किसी का भी ऐसा नहीं था कि भैया ये कैरेक्टर है बस, उन्होंने आके वो स्ट्रेट फॉरवर्ड परफॉर्म किया और निकल गया, ऐसा कहीं नहीं था। सबने वो कैरेक्टर को समझा है, उस पर डिस्कशन की है मेरे साथ, हेल्दी डिबेट्स हुए हमारे, तब जाके वो कैरेक्टर बना जो बना।